स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज स्प्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने टेंस लेके आई हूँ। दोस्तों, टेंस इसको हिंदी में हम काल कहते हैं। दोस्तों, टेंस जो होता है हमारा, ये इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है ये। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों, टेंस का यही तीन प्रकार होता है और तीन प्रकार में ये कई भागों में बटा है। देखिए, आज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। देखिए, हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी कि जो वर्तमान काल है हमारा, वर्तमान काल यानी जो आज का जो मतलब हमारा जो ये करंट समय है वही हमारा वर्तमान काल होता है। दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस भी हमारा चार भागों में बटा है। प्रेजेंट एक डिफरेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बताऊंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपको मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बारीकी से समझा सकूँ, अच्छे से आपको मैं इसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर सकूँ, इसका एक एक रूल आपको बता सकूँ। इसलिए आज के इस वीडियो में ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में सिर्फ मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आपको बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमारा जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस का दोस्तों प्रकार होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो प्रकार हमारा है, देखिए उसका जो रूल है, पहले आइए रूल को समझते हैं फिर इसका एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके कहने का क्या अर्थ है? इसके कहने का ये अर्थ है कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें जो हमारा प्लूरल नाउन होता है उसके साथ हम वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म का वर्ब प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यानी जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म में यस या आई यस लगाते हैं। देखिए, इसका जो रूल है, इस रूल को बारीकी से आप समझेंगे तभी आप इस टेंस को समझ पाएंगे। देखिए, इसके कहने का अर्थ ये है, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ये अगर प्लूरल है तो इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, और अगर हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये अगर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग किया जाएगा। बस शर्त इतना है कि इस फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या आईएस उस वर्ब के अकॉर्डिंग उसके दोस्तों जोड़ के लगाया जाता है। इसका रूल बस इतना ही था। आइए एग्जांपल समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, एग्जांपल में है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे और भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान होती है जो हमारा, देखिए जो सेंटेंस दिया है, जो वाक्य दिया है हिंदी में, इसके लास्ट में ये ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द इसके लास्ट में आते हैं। दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो देखिए सबसे पहले इसका आप सब्जेक्ट देखेंगे, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले आपको ये समझना है। देखिए, यहाँ पे मैं की बात की जा रही है, तो मैं जो हमारा होता है ये प्लूरल होता है दोस्तों। और मैं आपको अभी रूल में ही बताई हूँ कि प्लूरल नाउन के साथ क्या किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है आई, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। देखिए, आई रीड माई बुक। देखिए, इसका ट्रांसलेशन कितना आसान है। अगर आपको रूल पता है तो आप कोई भी ट्रांसलेशन दोस्तों बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और ट्रांसलेशन आना हर स्टूडेंट को बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो आप समझ जाइए, आप इंग्लिश ग्रामर को समझ नहीं पाएंगे। हर एक टॉपिक ना इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना उसका रूल आप के दिमाग में कभी भी आप उसे कोई पूछेगा तो ना आप उसको बता पाएंगे। देखिए, ये कितना आसान था, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दोस्तों आई रीड माई बुक, बहुत
बहुत ही इजी है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और मैं आपके सामने दे रही हूँ। तुम गरीबों की मदद करते हो। देखिए पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए यहाँ पे तुम की बात की गई है, तो जो हमारा तुम है ये हमारा दोस्तों हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। और मैंने आपको जो पहचान बताया है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का, देखिए यहाँ पे ते हो, देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट में ता है, ती है, ते हो, इस प्रकार के हमारे शब्द आते हैं। देखिए यहाँ पे तुम का यू होगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा वर्ब का, देखिए हेल्प, यू हेल्प द पुअर। इसका ट्रांसलेशन दोस्तों बस ती होगा जो कि बहुत आसान है। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा, वह अपनी से प्रेम करता है। देखिए यहाँ पे आप पहले सब्जेक्ट चेक कीजिए, सब्जेक्ट हमारा वह है जो कि हमारा सिंगुलर है यहाँ पे, तो सिंगुलर के साथ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और उसके साथ यस या यस इस प्रकार के शब्द हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लव जो होगा हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस जोड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या आई एस या ई एस जोड़ेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका हमारा जो ट्रांसलेशन होगा ही लव्स इज स्कूल। बस इतना इजी था। देखिए अब देखिए हमारा अफर्मेटिव का जो सेंटेंस था उसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है आपके सामने और आपको समझ में भी आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा रूल था कि अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे वर्ब का, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे वर्ब का, लेकिन उसके साथ यस या यस या आई एस जोड़। बस इतना ही अंतर था दोनों में। आइए अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए अब अगर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर निगेटिव सेंटेंस में है तो इसका रोल क्या होगा, आइए इसको समझिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस में आई वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें साफ साफ यही कहना चाहता है कि अगर निगेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, मतलब अगर सिंगुलर नाउन हमारा वर्ब है सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ उससे पहले डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो हमारा निगेटिव है तो हम प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट वन का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे मैं की बात की गई है, तो मैं हमारा दोस्तों आपको पहले मैंने बता दिया है मैं हमारा प्लूरल होता है और प्लूरल का रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आई डू नॉट और साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट रीड माई। बस ये बहुत ही आसान था दोस्तों, बस आपको रूल को आपको हमेशा याद रखना है, बिना रूल के आप कभी भी ट्रांसलेशन सही नहीं कर पाएंगे। देखिए ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह अपने स्कूल से प्रेम नहीं करता है। देखिए जहाँ पे नहीं शब्द आ रहा है ये हमारा निगेटिव शो कर रहा है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, और देखिए वह जो हमारा सब्जेक्ट है और ये कौन सा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये देखिए ही और सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ रूल के अकॉर्डिंग हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए ही डज नॉट लव हिज स्कूल। देखिए कितना आसान है ये रूल। अब आगे देखिए ये हमारा निगेटिव रूल था दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस का रूल था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये रूल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइए उसको आगे समझते हैं। सेंटेंसेस से आरंभ होते हैं उनमें सब्जेक्ट के
अनुसार डू या डस के पश्चात सब्जेक्ट तथा उसके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें बताया दो प्रकार का होता है। यहाँ पे जो चर्चा की गई है, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी जो डब्ल्यू, जैसे कि जो मतलब जो आप कहिए क्वेश्चन मार्क वाले, हमारे जो ये सेंटेंस है, जो क्या क्यों कौन जैसे शब्दों से स्टार्ट होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सेम पुराने तरीके से ही जो हमारा निगेटिव सेंटेंस था उसी प्रकार से ही इसमें भी वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्रयोग किया जाएगा। बस इसमें यही है कि जो हमारा, देखिए इसमें कह रहा है कि जो सेंटेंस क्या से आरंभ होते हैं उनमें सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा है, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम डू से उसको स्टार्ट करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें डस से स्टार्ट करेंगे, और बाकी सेम वही हमारा प्रोसेस रहेगा जो आगे के रूल में दिया हुआ है। और इसका कुछ नहीं आपको समझना है, बस इतना ही समझना है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, देखिए इसमें क्या से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट, देखिए आप इसमें सब्जेक्ट मैं है जो कि हमारा प्लूरल है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है डू से स्टार्ट होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हमारा सेंटेंस डस से स्टार्ट होता। तो देखिए डू आई, पहले हमारा डू आएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा डू आई, फिर हमारा वर्ब आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म में रहेगा डू आई रीड माई वर्क। बस इसमें आपको इतना ही करना था, आपको इसमें क्या व्हाट नहीं लिखना है। ये खास बात होती है जो बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं क्या लिखा है तो इसको व्हाट से शुरू करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों अगर हमारा जो सेंटेंस है अगर क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या की स्पेलिंग इस ट्रांसलेशन में कहीं भी नहीं आएगा। ये बहुत ही खास बात है। ये हमारा देखिए इसमें डू आया है क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा वो डू से शुरू होगा, डू आई रीड माई बुक। बस इसका यही ट्रांसलेशन था, आगे समझिए। देखिए आपको पहले बताया जा चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, पहले प्रकार की चर्चा अभी की गई है, अब दूसरे प्रकार की चर्चा आगे होना शुरू हो रहा है। देखिए जिन सेंटेंसेस के बीच में क्या कौन कब कहाँ कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। देखिए इससे पहले आपको जो ट्रांसलेशन बताया गया है इसमें बताया गया था कि क्या से शुरू होते हैं उसका बताया गया था, और यहाँ भी बताया गया है जो बीच में आते हैं क्या कौन ये जैसे शब्द बीच में आते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या बताया गया है, उन्हें उस संबंधित इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब जो इन सब जो हमारा शब्द है उसकी जो स्पेलिंग होती है उससे इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए अगर हमारा जो हमारा सेंटेंस है अगर क्या कौन कहाँ से शुरू हो रहा है तो उसके ट्रांसलेशन में इन सब चीजों की स्पेलिंग कहीं भी नहीं रहेगी। अगर इन सब क्या कौन ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसकी स्पेलिंग ट्रांसलेशन में रहेगी, और सबसे पहले इसी की स्पेलिंग से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। बस इसमें इतना ही अंतर है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर सेंटेंस का बाकी रूप पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह रखा जाता है। इसमें सेम रूल ऊपर की तरह रहेगा, बस फर्क इतना है कि ये हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो जो हमारा क्या कौन कब जो हमारा जो वाक्य बीच में आएगा शब्द आएगा उसमें उसी से हम इसको शुरू करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, वह कहाँ जाता है। देखिए इसमें वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, और कहाँ देखिए इसमें कहाँ जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा शब्द है ये हमारा बीच में आया है, कहाँ जाता है तो वह हमारा जो है सिंगुलर है तो इसके लिए डस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो कहाँ से शुरू होगा, यानी वेयर डज ही गो। बस और मैं आपको एक खास बात और ही बताऊंगी यहाँ पे, देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, चाहे वो हिंदी में हमारा लिखा हो वाक्य सब सेंटेंस या इंग्लिश में लिखा हो। देखिए आगे क्या रूल कह रहा है, फिर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव रूप में हो, ऊपर जो हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव रूप में बताया गया था, यहाँ पे अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव रूप में हो तो दोनों तो उपयुक्त दोनों दशाओं में, यानी जो हमारा सेंटेंस
क्या कब कहाँ से शुरू हो रहा है उस कंडीशन में भी, और हमारा जो सेंटेंस बीच में क्या कब कहाँ आ रहा है उस कंडीशन में ही दोनों दशाओं में मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो मुख्य क्रिया होगा उससे पहले नॉट लगाएंगे, बाकी पूरा हमारा जो रूल रहेगा सेम ऊपर वाले ही की तरह जो हम बताए हैं उसी के तरीके से रहेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ। देखिए ये हमारा क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू होने वाला, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें देखिए नहीं यानी निगेटिव भी है तो ये डू से शुरू होगा और डू आई नॉट रीड, क्योंकि मेन वर्ब हमारा रीड है तो इससे पहले नॉट लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, डू आई नॉट रीड माई बुक। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, क्या से शुरू हो रहा है तो इसकी स्पेलिंग इसमें कहीं नहीं रहेगी, बल्कि जो हमारा मैं है जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार डू या डस लगेगा, तो मैं हमारा प्लूरल है तो इसके लिए डू लगेगा और मैं की स्पेलिंग आई और मेन वर्ब हमारा रीड है तो इससे पहले नॉट लगेगा, बाकी हम उसी हिसाब से उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। अगला देखिए, वह कहाँ नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे कहाँ जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो शब्द है ये हम इसकी स्पेलिंग यहाँ शुरू करेंगे, इसका ट्रांसलेशन इसकी स्पेलिंग शुरू करेंगे वेयर, और जो वह है हमारा ये सिंगुलर है तो इसके लिए डस लगाएंगे, वेयर डस ही नॉट गो, गो जो हमारा मेन वर्ब है तो इससे पहले नॉट लगाएंगे और ही सब्जेक्ट है तो वेयर डज ही नॉट गो। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों समझना है, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं कठिन लगेगा। आप ट्रांसलेशन ध्यान से पढ़िए, आपको आज जो भी मैंने आपको बताया है मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ट्रांसलेशन का, नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।